नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। डेटा एनालिसिस की वीडियो है ये 6 मई की फ्राइडे का दिन, जिसमें हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद जो सोमवार आने वाला है 9 तारीख का, उसके लिए। तो एक एक प्लेयर क्या करके गया है पिछले डेटा में, तो जो हमने कल जो रीडिंग की थी उसमें तो मोस्टली डेटा एक्सपायर होने के बाद जो बचा था वो था, मतलब जैसे कहते हैं कि लंगर होता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पत्तल बचती है, उस हिसाब से डेटा तो कल के पास हमारे पास वो था, कोई खास इंडिकेशन थी नहीं उससे। आज चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, काफ़ी लोगों ने माल बटोरा है, क्लाइंट वगैरह, तो देखते हैं कौन क्या क्या करके गया है। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन के पर्पज से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालाइजिंग शुरू करते हैं डेटा की। क्लाइंट टोटली बुलिश गया है सावन के अंधे की तरह, सूदार जी सब कुछ हरा हरा, इंडेक्स कॉल जबरदस्त, कॉन्ट्रैक्ट बाई है, पुट जबरदस्त, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग साइड में है, तो टोटली बुलिश है। FIs के स्टॉक फ्यूचर थोड़े बहुत निकाले, इंडेक्स फ्यूचर अच्छे खासे निकाले, पुट ठीक ठाक बाई करके गए हैं, कॉल थोड़ी बहुत निकाली है, तो FIs गए हैं कह लीजिए आप थोड़ा सा, इतने कोई बड़ा डेटा भी नहीं है बट बेरिश गए, ठीक है। प्रोज को देखें तो प्रोज आपके स्टॉक फ्यूचर बाई, इंडेक्स फ्यूचर बाई, पुट की राइटिंग और अपसाइड थोड़ी सी कैप करने की कोशिश की है इन्होंने, अच्छी खासी कैप करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो यहाँ पे बाइंग दिख रही है ना आपको क्लाइंट की, वो सारी की सप्लाई आपकी पूरी की पूरी प्रोज ने की है वो सप्लाई, और बाकी जगह से ये थोड़ी तेज़ी करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रोज का डेटा जो आज एड ऑन हुआ है वो आपका मिक्स टू बुलिश साइड की तरफ है, मिक्स टू बुलिश, ठीक है। DI's का तो पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव्स में कुछ रहता नहीं है। चलिए देखते हैं किस किस बक्से में हमारे पास किस किस पार्टी का क्या क्या माल पड़ा हुआ है। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, पिछले 2-3 साल में मैंने अब तक नहीं देखा है कि क्लाइंट आपका 1 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है, बढ़िया तेज़ी में आ गया भाई। और FIs नेगेटिव हो गए और प्रोज बढ़ गए हैं भाई, तो प्रोज थोड़े से पॉजिटिव हैं, FIs टोटली नेगेटिव हैं, तो वेटेज हम FI को देते हैं, तो ये बक्सा जो है इसको मैं करता हूँ टिक बेरिश। कोई इतना बड़ा खास बेरिश नहीं है, अगर ये FIs ने अपना माल ना, ये प्रोज ने अपना माल ना बढ़ाया होता तो ये पक्का मैं इसको बोल देता कि भैया नेगेटिव है, बट ये मिक्स टू नेगेटिव निकला है। अब मेरे कंक्लूजन के हिसाब से ये डेटा नेगेटिव है इसमें, क्योंकि FIs ने अपना माल बढ़ाया नहीं है, और पूरी की पूरी सप्लाई जो बाइंग में है क्लाइंट को वो आपकी किसने की है, प्रोज ने की है। तो ये डेटा दिखा रहा है भैया 100-150 पॉइंट की मंदी और हो सकती है। प्रोज इसकी बात करें पुट साइड की, 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्त, इतना मतलब मार्केट गिरा है बट इनकी पुट राइटिंग देखिए आप, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास यार, कौन से बैंक में डाका डाला हुआ है जो क्लाइंट इतनी पुट राइटिंग करता जा रहा है, और ये कम नहीं हुई है 16,800 टूटने के पास से, बढ़ती जा रही है, पता नहीं कौन सी पुट रेटिंग है। और यहाँ पे देखेंगे आप FIs ने अपनी पुट की बाइंग को बढ़ाया है और प्रोज भी पुट की बाइंग में बैठे हुए, तो ये डेटा भी दिखा रहा है 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर का डेटा दोस्तों बुलिश है, FIs भी आपके 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पर खड़े हुए हैं और प्रोज भी आपके 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट पर बाइंग साइड में खड़े हुए हैं, और इन दोनों पार्टीज़ ने अपनी बाइंग को पिछले 3 से 4 दिन में स्टॉक फ्यूचर की बाइंग को बढ़ाया हुआ है, जिसको मैं अहमियत देता हूँ, ठीक है। तो नेट बेसिस अगर मुझसे पूछा जाए तो नेट बेसिस में तो डेटा बेयरिश है, बट कुछ ऐसा बेयरिश नहीं है जैसे वो पीछे दिखा दिया था, आया था एक बार डेटा जिसमें मैंने बोला था कि भैया अल्ट्रा पल्ट्रा बेयरिश है, डेटा बेयरिश है बट 150 से 200 पॉइंट की मंदी का ही है, इससे ऊपर का नहीं है। और टेक्निकली मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, डेटा भी मुझे उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर निफ्टी आपको 16,000 से 16,100-16,200 के बीच 200 पॉइंट के रेंज में मिलता है भैया, बाई करना है वहाँ से 400 से 500 पॉइंट के लिए, ठीक है। आप सेल करिए 340 के नीचे और बुक कर लीजिए 16,200-150 के बीच में, ये डेटा इतना दम रखता है कि आपको निफ्टी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद तेज़ी आएगी, अगर वो जोन आ जाता है आँख बंद करके बाई कीजिएगा, 16,500-16,600 स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। 16,625 आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा अगर निफ्टी आपको 16,000 और 16,150 इसके बीच में मिलता है तो बाइंग करिएगा वहाँ पे। ऐसा ही बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको 33,800 से लेके 34,100 यहाँ तक आ सकता है, तो आप सेल करिएगा 34,400 के नीचे, 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेके प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर वहाँ पर बाइंग करनी है। अब ये जो मैं बाइंग की सलाह दे रहा हूँ ये डेटा के बेस पर नहीं दे रहा दोस्तों, मार्केट की जो पोजीशन बनी हुई है जो इंडिकेटर मैं फॉलो करता हूँ वहाँ से वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा,
वहाँ से बैंक निफ्टी में आपको 34,900 से लेके 35,300 ये लेवल स्क्रीन पे मैं आपको नेक्स्ट वीक में दिखा दूंगा। आँख बंद करके बाई करना है 33,800 से लेके 34,100 के बीच में, ठीक है। ये मेरी स्टडी बोलती है, जो इंडिकेटर मैं फॉलो करता हूँ वो बोलते हैं 1,000 पॉइंट की मिनिमम तेज़ी होनी चाहिए उस जोन में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो। ये ज़रूर सुन लीजिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर गैप अप ही ओपन होता है तो मामला दूसरा है, जो कि मुझे लग नहीं रहा। और जैसे कि अभी दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन्स ये पूरे के पूरे नीचे हैं, 300-400 पॉइंट तो डाउन नीचे है अभी 12 बजे के लगभग। बट स्टिल एनीथिंग इज़ पॉसिबल, गैप डाउन होता है कुछ होता है तो डेफिनेटली गैप डाउन में ठोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं ठोकना है गैप डाउन, फिर ये डेटा में खप जाएगा। देखिए दोस्तों मार्केट में हो क्या रहा है, जो पोजीशन बन रही है ना बड़े प्लेयरों की उसी के हिसाब से गैप डाउन गैप अप हो जा रहा है, स्पेशली गैप डाउन, उसके बाद बचता नहीं है कुछ। आज कितना आप सेल करके कमा लेते, 415 पे खुला था 340-350 का लो बना है, ठीक है ज़्यादा नहीं बना। अगर 150-200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है बिल्कुल कतई सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से बाई बनता है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।